हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज फिर से हम खेलने वाले हैं वही गेम, अपना पुराना कार फॉर सेल सिमुलेटर। पिछले गेम में अपन ने करा था 43,975 के करीब में कलेक्ट करा था, ठीक है। तो अभी पहले थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है सफाई करना। सफाई करने के बाद अपन सीधा चलेंगे सोने, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अभी अपने पास कुछ भी खुला नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि नेवरवुड में जाके फिर से अपना पैसा बर्बाद करे, उससे भी अच्छा है कि अपन सोने चलते हैं। तो उधर से फिर देखेंगे क्या खुल रहा है, फिर उस हिसाब से स्किप करेंगे, कार मार्केट की तरफ चलेंगे। पहले एक बार सो जाता है, देखो तुम्हारा भाई बाहर से ही सो लेगा, देख रहे हो कितना प्रो है। हो चुकी है अपनी एक प्यारी सी सुबह, चलते हैं सीधा कार मार्केट, क्योंकि कार मार्केट अभी खुल गया है। तो अपने को यही चाहिए था, कार मार्केट ही, और जो चाहिए था वही मिल गया। तो जल्दी चलो कार मार्केट में, कुछ ढंग की गाड़ी देखते हैं, देखने के बाद परचेज़ करते हैं। वही नेवरवुड से सस्ती मिल जाती है कार अपने को। इधर इधर में क्या सीन है कि बढ़िया तो कार है लेकिन बजट के बाहर है। तो अपन चलते हैं, देखते हैं कोई भी कार अपने बजट के अंदर में मिल जाए, फिर उसके बाद देखते हो। ओ भाई लॉर्ड मुस्टैंग, कैसे हो भैया बताओ। ओ 42,000 का दे रहा है, 35 में दे देगा, दे दिया। ओ नाइस, अपना आते ही आते काम बन गया, दिक्कत ही नहीं आ रही है। फिर देख रहो तुम्हारा बाइक आते ही ले लिया बढ़िया सी कार। अब इसको थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे, थोड़ा कलर वलर करेंगे, ताकि दिखने में अच्छी लगे। जो दिखता है वही बिकता है। तो अपने को क्या करना है कि इसको थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे, थोड़ी सी कलर वलर डाल के बढ़िया। वैसे तो ब्लैक कलर में वैसे ही धांसू दिख रही है, बट लेकिन अपन अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और फिर अच्छे पैसे, समझ रहे हो भाई। चलो फिर चलते हैं वहीं पे सीधा। आप लोगों से पिछली बार ही पूछा था कि आप लोग बताओ, अगर आप लोगों को कोई कार पसंद है, वो चीज़ मुझे चाहते हो कि मैं परचेज़ करके उसको फिर से मॉडिफाई करके सेल करूँ, तो वो आप मुझे कमेंट करो ना। आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो। आप लोग कमेंट करोगे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, कि हाँ चलो भाई आप लोगों की तरफ से फीडबैक मिलेगी, तो उस हिसाब से और मज़ा आएगा गेम खेलने में। देखो गेम आपके लिए ही बना रहा हूँ, मुझे सिर्फ खेलना होता तो मैं अकेले का खेल के निकल जाता। चलो अब पहुँच ही गए अपन, पहले इसको रेनोवेट करते हैं, या फिर मॉडिफिकेशन कह लो, जो भी कहना है कह लो। पहले कलर करते हैं, क्योंकि उधर स्लॉट बुक हैं सारे। चलो फिर पहले कलर करते हैं, बातें तो होती रहेंगी पूरी गेम में। बताओ भैया, एक्चुअली मैं सोच रहा था ना, पिछली बार भी कुछ अलग कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये कलर बेटर लग रही है मेरे को, इसको डन ही कर देते हैं सीधा। अभी क्या करेंगे ना, इसमें मेटेलिक थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा ओपी दिखे। देखो लग तो रही है ओपी मेटेलिक फुल करने पे, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, मैच नहीं करेगी ना बाकी जो भी किया गया है। फिर मैं अपन भी कलर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग अलग करके देखेंगे, तीन चार कलर करेंगे ना, तो फिर वो ज़्यादा मज़ा आएगा। रिपेयर थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिपेयरिंग है कि नहीं। बताओ भैया कितने की रिपेयरिंग है, 300। चलो डन कर लो। अभी क्या है ना कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, मैंने थोड़ा सा वो कट कर दिया ना, कि आप बोर होने लगते फिर वो घंटा भर दिखाऊं कि रिपेयर हो रहा है रिपेयर हो रहा है बोल के, तो इसीलिए मैंने सीधा डन कर लिया। अभी इसको मॉडिफिकेशन फुल करेगा तुम्हारा भाई, एकदम पैसा दबा के लेगा। रेसिंग किट नहीं है, रेसिंग किट डालते हैं, नॉइज़ वगैरह डाल देते हैं, डन हो गया। उसके बाद व्हील, व्हील तो देखो व्हील बदलने का मतलब नहीं है, सीधा चलते हैं, क्योंकि नंबर प्लेट भी पिछली बार मैंने चेंज करा था, उस पर पैसे भी खर्च करे कोई फ़ायदा नहीं है, वो दिखता है नहीं। बातें करते करते पहुंच भी गए। चलो अब शॉप के सामने लगाता हूँ। आजा 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 आ लो। अरे यार फिर से ठुक गई, जस्ट रिपेयर करा के लाया था। सिर्फ 2 सेकंड दो मुझे, बस 2 सेकंड में यहीं मिलूँगा फिर से रिपेयर करा के। तो गाइज़ रिपेयर हो चुकी है, मैं ला के फिर डायरेक्टली यहीं पे शॉप पे ही लगा दिया। फिर अभी क्या करते हैं कि थोड़ा सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के बाद अपन एक पिक्चर क्लिक करेंगे, पिक्चर क्लिक करके फिर सेल पे डालेंगे। तो पहले तो फर्स्ट काम अपना यही होगा कि इसका पिक्चर क्लिक करें, वो एंगल थोड़ा सा सही नहीं है, यहाँ से सही आएगी पिक्चर, तो यहीं से ले लेते हैं एक पिक्चर, उसके बाद फिर सेल पे डालते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने पिक्चर ले लिया, सेव करते हैं, बैग जाते हैं कार में, फिर प्राइस डालते हैं। अपन
1,20,000 डालते हैं, ठीक है, 1,20,000 डालते हैं, उसके बाद जो भी बार्गेनिंग करेंगे उस हिसाब से सेल होगा। मुझे पता है 1,20,000 नहीं मिलेगा, बट लेकिन अपना काम है डालना। नाइट हो गई, जल्दी से सो के आते हैं, पहले चलते हैं सोने। आ गए अपने कंटेनर में, देखो 1,00,000 की गाड़ी रखे हैं लेकिन सोएंगे कंटेनर में। गुड मॉर्निंग गाइस, हो गई है एक प्यारी सी सुबह। अभी यहाँ से सीधा चलते हैं शॉप पे, क्योंकि शॉप पे कस्टमर भी आ चुके होंगे। तो गाइस अपन आ चुके हैं शॉप पे, चलो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं क्या है। कस्टमर कोई भी नहीं है। वाह, इतनी महंगी गाड़ी पे देखो कचड़े पड़े हुए हैं। यही होता है, लोग जलते हैं हमारे कामयाबी से। बताओ दीदी आई है? दीदी दीदी पहले एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट, थोड़ी सी सफाई कर लूँ, थोड़ी सी चमक दमक ला दूँ गाड़ी में, फिर उसके बाद आपको देता हूँ मैं, ठीक है। चलो हो गई हमारी साफ़ सफाई। बताओ दीदी कितने दे रही हो, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, और भी कस्टमर बहुत हैं, अटेंड करना है, बहुत बिजी पर्सन हूँ मैं। 40 में तो नहीं होगा दीदी, 899 में दोगे तो बोलो। नहीं चलो 799 में दे दो। नहीं ये भी नहीं, रुक जाओ अब दो मिनट रुको, मैं वहाँ से बात करेगा। बताओ दीदी बताओ कितने दे रहे हो, जल्दी बताओ, टाइम नहीं होता। 50,000 दे रही हैं, और नाइस, चलो 899 में दो। नहीं ये भी नहीं दोगी, चलो एक काम करो 599 दो। नहीं रुक जाओ भैया से पूछता, भैया ओ भैया इधर 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 इधर, अरे देख ले हो, हाँ बताओ तुम कितने दे रहे हो। 53, नाइस बढ़िया है ये तो। एक काम करो 99,999 दे दो यार तुम। नहीं नहीं दोगे, ठीक है 98,999 दे दो, इतना तो दे ही सकते हो। नहीं दोगे, चलो रहन दो फिर, तुम तो रहन दो, अब तुमसे ले, तुमको बेचना ही नहीं है, समझ रहे हो, तुमको बेचना ही नहीं है। दीदी तुम बताओ, तुम थोड़ा सा बढ़ाओगे? नहीं बढ़ाओगे, इतने पे ही रहोगे। एक तो दोनों ग्लिच हो रखे हो, कन्फ्यूज़ हो गया हूँ मैं किन में करना है। तुम दे दो 6,000। नहीं 60,000 नहीं दोगे दीदी, तुमको ही दूंगा, उन दोनों में से किसी को नहीं बेचूंगा, इसीलिए मैं तो बस घूमने गया था, बेचने थोड़ी गया था। ले जाओ 60,000 में ले जाओ, तुम्हारे लिए बना है। ओह देखा, ऐसे बेचते हैं अपन, ऐसे बेचा जाता है, ऐसे बिजनेस होता है। अभी अपने पास टोटल कितने हो गए, 65,515। थोड़ा सा बिल पड़ा हुआ है, वो बिल पे कर देते हैं, फिर निकलते हैं ऑक्शन को। अपना आज ऑक्शन ओपन है, तो ऑक्शन में जाके अगर देखते हैं इतने में कोई कार पसंद आ गई या फिर हम ले पाएँ तो ले लेते हैं। पहले तो बिल पे करते हैं फिर सीधा ऑक्शन चलते हैं। ऑक्शन आ चुके हैं अपन ऑक्शन में, वो बीच का थोड़ा सा कट कर दिया मैंने, ऑक्शन आ चुके हैं। ऑक्शन में अब क्या करना है कि देखना है कि कौन सी गाड़ी है। अगर कोई ढंग की गाड़ी मिली, कार मिल गई जो मतलब अफोर्डेबल है, ऑफकोर्स अपने बजट के अंदर में आएगी जभी तो लेंगे। तो देखते हैं कितने देर में शुरू होता है ऑक्शन, स्टार्ट हो गया। अच्छा इसमें अपन बैटिंग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग 13,000 से। ऐसा क्यों लग रहा है हमारे को कि ये अपना इसमें कटा कट गया, ये अपने को कार मार्केट में कितना पड़ा था, आई थिंक 19,000। अच्छा चलो 1,000 ही कटा है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है। भैया कार दे दो हमारी, भैया हमारी कार दे दो, पैसे ले लिए तुमने टाइम से, कार दो मेरे को, मैं नहीं जानता, मेरे को कार दे दो। कार नहीं दे रहा यार ये लोग। अपन थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि अब ऑक्शन ख़त्म ही होने वाला है, फिर अपनी कार अपने को मिल जाएगी, उसके बाद लेके चलते हैं। इसमें भी देखते हैं मॉडिफिकेशन करना है कि नहीं। ये क्या चल रहा है, अबे टोपे क्यों नहीं जा रहा, टोपे जा भैया, अरे चले जा, अरे जाना यार, नहीं जा रहे हो, अरे यार ये कौन सी ग्लिच हो गई, जा ही नहीं रही है टोपे, न रिपेयर पे जा रही है ना टोपे जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा इसका। आप लोगों से सीधा मिलता हूँ रिपेयर कराने के बाद। तो गाइज अपना कार रिपेयर हो चुका है, रिपेयर करा लिया मैंने, अभी सीधा पार्क करते हैं, उसके बाद सीधा डालेंगे इसको सेल पे। सेल पे डालने से पहले शॉप की सफाई कर ली जाए। चलो ये डन, ये शॉप की सफाई कंप्लीट होती है, ये लास्ट कैन बचा हुआ है ये भी कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद अब करते हैं पिक क्लिक और फिर सेल करेंगे। ये मैंने किया ओपन टैब, अभी करते हैं एक ओपी सा पिक लेते हैं, एकदम प्यारी सी पिक, ठीक है पिक हो गई। अब चलो सेल पे डालते हैं पहले इसको,
सेल करते हैं फिर। अभी तो 35,753 हैं अपने पास USD, तो फिर हम आगे चल के दूसरी गाड़ी ले सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसको सेल ही कर लेते हैं। मिलते हैं फिर कस्टमर के आने के बाद। कस्टमर आ चुका है, अब चलिए पता करते हैं। भैया बताओ प्राइस बताओ कितने में चाहिए तुम्हारे को गाड़ी। नहीं देखो बढ़िया चाहिए, नहीं तो जलील करके बकाऊंगा। 28। निकल बे, निकल जल्दी, दिख मत जियो दूर तक। बताओ दीदी तुम बताओ अपनी सही प्राइस बताना, बड़े जलील करके भगाया उसको। 23। 23 में कार चाहिए तुम्हें? देखो जुड़वा बहन आ गई, तुम रहन दो, तुम यहीं रुको। बताओ दीदी तुम बताओ, तुम्हारी बहन है ना ये? बड़े कंजूस है यार, तुम सही प्राइस बताना। 26। तुमसे उम्मीद नहीं था दीदी। बताओ थोड़ा बढ़ा दो यार, थोड़ी सी थोड़ी बढ़ा तो दो, थोड़ा दया करो, इतने मेहनत कर रहे, रहन दो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहन दो। देखो दीदी उसको तो दे नहीं रहा मैं, तुम बताओ, तुम ढंग से बताओ और ले जाओ, तुम्हारे को कार दे दूंगा मैं, पक्की बात। तुम एक काम करो 499 दो। नहीं अच्छा एक काम करो, 4 नहीं दे रही हो तो 299 ही दे दो। अरे वाह ठीक है, चलो बढ़िया, ले जाओ जाओ, तुम खुश रहो, अपन दूसरी कार लेने जा रहा है, अपन रुकेगा नहीं। काम करते हैं गाइस, पहले एक अभी तो कुछ खुला नहीं है, ये 100 के डे स्किप मार देते हैं, फिर मिलता हूँ वहीं। तो गाइस अपन आ चुके हैं सीधा कार मार्केट। कार मार्केट ओपन हुआ, जब डे स्किप मारा तो कार मार्केट ही ओपन हुआ, तो अच्छी बात है कि कार मार्केट ओपन हो गई। यहाँ पे अच्छी कार मिल जाएंगी, जितने अमाउंट है अपने पास तो उतने में एक बेटर कार मिल जाएगी। लॉर्ड स्कॉट क्लासिक नहीं चाहिए, इसके प्राइस नहीं मिलते ढंग के, तो रहन दो भैया, तुमसे तो नहीं चाहिए मेरे को। अभी देखते हैं कोई और ढंग की गाड़ी मिल जाए तो फिर वो देख लेते हैं। सुप्रा, ओ सुप्रा की क्या प्राइस बता रहे हो भैया, बताओ जल्दी। ओ 96 बता रहा है, अपने पास 64 है, तो आई थिंक नहीं लगता अपने को नहीं हो पाएगा, ये एक ही बार में गुस्सा हो गया यार, चलो जान दो, करना ही नहीं है। लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी का क्या कॉस्ट है, क्या बता रहे ये? 4 लाख। अपने बजट नहीं, अपने बजट के ऊपर है, तो अपने को तो देखना ही नहीं है उधर। टेस्ला, टेस्ला का क्या कॉस्ट है? टेस्ला आई थिंक मिल जानी चाहिए टेस्ला। अरे यार हाँ मिल जाएगी, हो जाएगी अपना 28,000 में, देखते हैं अगर ये देता है ना तो करते हैं, नहीं 39 ले ले भैया, दे दे ये भी नहीं। अरे यार तू जान दे, तू इतना जल्दी जल्दी नाराज हो जाता है, मेरे को नहीं चाहिए तुमसे कार बार, मैं कहीं और देखता हूँ यार। कार बहुत है, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, कौन सा लिया जाए कौन सा छोड़ा जाए। पैसे तो हैं इतने अच्छे खासे अपने पास, दिक्कत नहीं है, अपन ले सकते हैं। देखो ये कौन सी है, BMW का है, सीरीज़ 1 है, BMW सीरीज़ 1। रहने दो यार, मेरे को ये चाहिए था, फरारी चाहिए थी, सॉरी सुपरा चाहिए था, लेकिन इसने तो गधे ने पहले मेरे को देना ही देने से ही मना कर दिया। अब इतने बुरे हैं भाई, तेरे को पैसे दे रहे थे वरना भाई क्यों नहीं ले रहा था, पता नहीं गाड़ी लेके क्यों आते जब बेचना ही नहीं होता यार। चलो ठीक है एक काम करते हैं, फटाफट से अब कार परचेज करते हैं, बहुत टाइम पास कर लिया अपन ने, टाइम ख़राब करके करना भी नहीं है कुछ। चलो कार लेते हैं, कार लेने के बाद वो सेल पे भी डालना है। सामने और कार मिली, बताओ भैया कौन सी कार है? ऑडी TT है, इसी को डन करते हैं, इसको लेके चलते हैं। बताओ कितने प्राइस में? अच्छा 428। चलो डन करो, अभी जितने में दे रहा था मैंने ले लिया बस, बहुत टाइम वैसे भी घूम घूम के वेस्ट कर रहा था। अब और कार भी अच्छी है भाई, ऐसी नहीं कि कार ख़राब है। ऑडी है तो ऑडी सीरीज़ की सारी कारें बढ़िया ही होती हैं, वो थोड़ा सा सीरीज़ 1 थी ना, काफ़ी ओल्ड मॉडल थी तो मेरे को जम नहीं रहा था। अरे यार देखो ड्राइवर बढ़िया हूँ मैं, अभी बस आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो ध्यान इधर उधर चला जा रहा, तो इधर उधर जा रहा, एक तो ऐसी ग्लिच है ना उसकी कि वो सीधा बंदे के पार पार निकल जा रहा है। तो आप लोगों से एक काम करता हूँ, वहीं मिलता हूँ। तो गाइज अपन आ चुके हैं, रिपेयर वगैरह करा लिया, कलर कैसी लग रही है? कलर ओपी लग रही है ना तुम्हारा भाई का कलेक्शन, कलर कलेक्शन ही अलग है, लेकिन बता देना ये मैं ऐसे अपने मर्जी से कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसको अभी करते हैं पार्क, फिर इसको अभी सेल भी करना, इसको सेल करके और एक काम करेंगे, फिर एक
और बढ़िया सा, अब इससे ये कितने में जाती है, सेल होती है, देन उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अपन को नेक्स्ट कार क्या लेनी है, कौन सी कार लेनी है। तो पहले काम करते हैं क्लिक फ़ोटो, देन क्लिक करने के बाद सेल पे लगाते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है मैं इसका पैसा कितना डाल सकता हूँ, 1 लाख डाल सकता हूँ क्या? 1 लाख आई थिंक डाल सकते हैं अपन, ज़्यादा नहीं है। 1 लाख में एटलीस्ट अगर नहीं मिलता है 50-70 भी मिल जाए तो काम चल जाएगा ना अपना, है ना? एक काम करता हूँ, 1 लाख ही डालता हूँ मैं, जो होगा देखा जाएगा। अपन 1 लाख डालते हैं, 1 लाख में अगर नहीं भी मिलता है, अगर 50 भी आता है तो दे देंगे। अपन ने कितने लिए? 28, और क्या 2,500 रुपये खर्च करे अपन। गुड मॉर्निंग गाइस, हो गया है एक प्यारी सी सुबह। अभी सुबह सुबह आते ही सबसे पहला काम शॉप पे क्या होता है, सफाई करना। सफाई छोड़ो, अभी दीदी से बात करो। हाँ बताओ दीदी, क्या दे रहे हो, क्या कॉस्ट? देखो अच्छे प्राइस देना। अरे प्राइस तो बता देती एटलीस्ट दीदी, ऐसा थोड़ी होता है यार बिना प्राइस बताए तुम निकल जाओ, प्राइस तो बता देती। चलो खैर छोड़ो। तो गाइज ये वो दूसरी कार है जो आपको बहुत देर से दिखती होगी, आपने नोटिस करा नहीं करा नहीं पता मुझे। सेम मैंने ऑडी टीटी मैंने पहले से ही एक परचेज़ कर रखी थी, तो मैं सोचा था कि इसको सेल नहीं करूँगा। फिर बाद में मेरे को लगा कि पैसे की अभी ज़रूरत है, जल्दी से जल्द अपने को करोड़पति बनना है। दीदी बताओ, तुम बताओ तुम कितने की दे रहे हो? 43। एक काम करो ना, 499 दे दो यार। नहीं तो एक काम करो, ले जाओ जाओ अभी ये वाले कार को। एक काम करते हैं, सेल पे डालते हैं इसको भी, क्योंकि ये भी सेल करेंगे तो थोड़ा सा आई थिंक 1 लाख तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए अपना। 1 लाख हो जाएगा तो बाकी थोड़ा सा ऑफलाइन ग्राइंडिंग कर लूँगा मैं, थोड़ा सा इसका डर्टीनेस है वो क्लियर करते हैं, फिर इसको सेल पे ही डाल देते हैं, ठीक है? तो गाइज ऑलमोस्ट हो गया है, पूरा क्लियर हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं कि इसकी एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, फिर इसको सेल पे डालते हैं। सेल पे डाल देंगे तो फिर कस्टमर आता रहेगा ना अपने हिसाब से, वो वैसे भी घंटों घंटे लगा देते वो आने में। चलो फ़ोटो तो क्लिक हो गई, अब डालते हैं इसको। पिछले को 1 लाख रुपए डाले थे ना अपन ने, तो इसको कितना डाला जाए? इसका भी वही डाला जाए या फिर कुछ कम डाला जाए? काम करते हैं, 1,20,000 डालता हूँ मैं, उससे ज़्यादा। वो 1 लाख डाला था, ये 1,20,000 डाल रहा हूँ मैं। उसका अपन ने कितने में सेल करा था उसका? आई थिंक तकरीबन वो 40 या 45 का वो उसने पेमेंट करा था ना। हाँ तो ठीक है, अभी अपने पास कितना है? 78,068 डॉलर। तो इतना डॉलर है अपने पास अभी। तो एक काम करते हैं, चलते हैं फिर देख के आते हैं, और भी कुछ कार बढ़िया मिल जाए। अपन कार मार्केट आ चुके हैं, अब सीधा एक कार लेते हैं, लेकिन ये कार मैं अभी सेल नहीं करूँगा। ये कार एक्चुअली लेने के बाद, ये कितना बता रहा है? 63 बता रहा है अपने को। अपने पास है पैसा? 5,553 डालते हैं। देता है तो देता है, दे दिया इसने, चलो डन हो गया। ये सब कार अभी देखा जाएगा बाद में, एक दिन होगा पूरा कार मार्केट परचेज करूँगा। कार तो दिखने में ओपी लग रही है ना, सुपरा है ही ओपी। चलो फिर इसको अब टॉ करके भेज देंगे, टॉ करके भेज देते हैं ना। उसके बाद हम सीधा यहाँ से सोने चलेंगे, ठीक है? सो के फिर शॉप पे वो जो कार रखी हुई है उसको हमको सेल करना है, वो सेल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कर अगर आप कोई कलर सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो मुझे बता देना। तो गुड मॉर्निंग अगेन गाइज, रात हो गई थी तो मैं सोने चला गया था। तो सोने के बाद जानती ही हो सफाई अभियान जरूरी है, उठाओ और फेंको, यही काम है। पहले पहला काम यही है, सब कोई सब करता है, हम पहले सफाई करते हैं, तो सफाई ज़रूरी है। ये फेंकते हैं, फिर दीदी से बात करते हैं। बताओ दीदी क्या चाहिए, कितने में ले होगी? देखो लास्ट कार है मेरे पास, मेरे पास सारे स्टॉक ख़त्म हो गए हैं, तो सही प्राइस बताओ मुझे। अच्छा 43, बताओ कितने में? उससे कम और बढ़ो, थोड़ी और बढ़ जाओ, 599 ले लो, कुछ तो भी ले लो। मुझे नहीं लगता तुमसे हो पाएगा, रहन दो, तुम तो रहन दो, मैं बाजू वाली दीदी से देख लूँगा। बताओ दीदी तुम कितने में ले रहे हो? देखो अब लास्ट कार है, इनको तो नहीं दे रहा मैं, ये तो डन है, इनको नहीं दूंगा मैं। तुम बताओ सही प्राइस बताओ, लेके जाओ।
नहीं देखो ऐसे सेल होता है, उनको पता चलना चाहिए कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो जल्दी जल्दी बिकेगा। तो अपन अब चलते हैं, एक काम करते हैं कि अपन ने जो गाड़ी लिया था उसको थोड़ा बहुत रिपेयर वगैरह कर देते हैं, करा देते हैं, फिर भी सिर्फ अगले वीडियो में कलर करना होगा, जो कि आप मुझे बताओगे कि कौन से कलर करने हैं या फिर उसको पर्सनल यूज़ करने हैं। अब जैसा सजेशन दोगे उस हिसाब से देखा जाएगा। और मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन ग्राइंड करूँगा ताकि थोड़े से पैसे और हो जाए। अभी अपने पास कितने हैं, 78,114 डॉलर हैं, ठीक है। तो आई थिंक करीबन करीब 2 लाख मैं करने की कोशिश करूँगा कि 2 लाख तक पहुँचा दूँ, उसके बाद फिर देखा जाएगा। फिर और वीडियो में करेंगे, और बता देना आप लोगों को ये रिपेयरिंग वगैरह का भी फुल वीडियो चाहिए तो वो भी हो जाएगा। कार तो ओपी लग रही है ना दोस्तों, कार तो ओपी लग रही है, एकदम मक्खन की तरह चल रही है, मक्खन। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जब तक लिए टाटा बाय बाय।